हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में जांघों में दर्द क्यों होता है, क्या कारण होता है कि जांघों में दर्द होता है, जांघों में दर्द कब से होता है और आप जांघों के दर्द को ठीक कैसे कर सकते हैं, जांघों के दर्द से क्या डरने वाली चीज़ होती है या फिर ये नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मुझे जांघों में दर्द कब से हुआ था और मैंने कैसे ठीक किया था। तो क्या सबको प्रेगनेंसी में जांघों में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली उन लेडीज़ के पास शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जांघों में दर्द कब से होना स्टार्ट होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जनरली जांघों में दर्द सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है, किसी किसी को थर्ड ट्राइमेस्टर से होता है। ऐसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जांघों में दर्द नहीं होता है। सबसे बड़ा रीज़न जो होता है जांघों में दर्द होने का, वो होता है कि आपका वेट ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है, वेट आपके जो गर्भाशय है वो बड़ा हो जाता है, आपका बेबी बड़ा हो जाता है, उसका पूरा भार जो है आपके पैरों पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द रहने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, पैरों में क्रैम्प्स होते हैं। सबका एक ही कारण होता है कि आपका गर्भाशय जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या फिर ज़्यादा देर आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के लेटे रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप सीधा तो सो नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ जो होता है कि आपको सीधा सोने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो या तो आप लेफ़्ट सोएंगे तो राइट पैर के ऊपर लेफ़्ट रहेगा, या फिर राइट सोएंगे तो लेफ़्ट पैर के ऊपर राइट रहेगा, मतलब पैर के ऊपर पैर तो रहेगा ही, इसकी वजह से भी पेन होता है। नेक्स्ट, आप बहुत देर तक आप काम करते हैं, बहुत देर तक जैसे खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में किचन का काम जो है ख़त्म करने में मिनिमम आपको 2 आवर्स लगते ही हैं, और 2 घंटे या फिर 1 घंटा आप प्रेगनेंसी में क्या होता है कि 1 घंटा भी आप अगर खड़े हो जाते हैं कंटिन्यूसली तो आपके जांघों में दर्द हो जाता है। आपको क्या करना है, वहाँ पे एक चेयर रखिए या फिर स्टूल रखिए, कुछ भी रखिए बैठने के लिए। आप जैसे 10 मिनट आप काम कर लिए, फिर 5 मिनट आप बैठ जाइए, फिर आप 15 मिनट काम कर लीजिए, फिर आप 10 मिनट बैठ जाइए, या फिर लेट लीजिए थोड़ा देर पानी पी के या फिर कुछ खा के आप लेट लीजिए। आपको कंटिन्यूसली काम नहीं करना है प्रेगनेंसी के दौरान, नहीं तो आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है यही कारण होता है। और नेक्स्ट जो होता है, आपका गर्भाशय जब बड़ा हो जाता है, और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको इसलिए दर्द नहीं होता है क्योंकि बच्चा जो है आपका काफ़ी छोटा होता है, तो उसके हिसाब से आपका गर्भाशय भी छोटा होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे आप 5, 4, 5, 6 तो बच्चा जो है डेवलप होने लगता है, बच्चा वेट पुट ऑन करने लगता है, आपका भी बॉडी जो है वेट पुट ऑन करने लगता है। और बच्चा का तो वेट रहता ही है, बच्चा जिसमें रहता है एम्यूनेटिक फ्लूड वही 5 kg का तो वही रहता है, जब आपका वो निकलता है तो मतलब आधा वेट तो उसी का होता है। नेक्स्ट, आपका बच्चा भी रहता है और गर्भाशय भी बड़ा हो जाता है, तो सारा जो भार है आपके पैरों के ऊपर पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपके जांघों में क्रैम्प्स होते हैं, पैरों में दर्द होते हैं, जांघों में दर्द होते हैं, और आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, आपको ऑल टाइम थकान लगता है। तो ये सबका रीज़न जो है यही है कि आप बहुत ज़्यादा देर आप लेटिए मत, बहुत ज़्यादा देर आपको काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा देर आपको एक जगह बैठ के नहीं रहना है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा देर अगर एक जगह पे बैठ जाइएगा तो आपके कमर में पेन हो सकता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा देर पे अपना बॉडी का जो मूवमेंट है उसको करते रहना है। या तो आप बैठे हैं तो थोड़े देर में आप खड़े हो जाइए, उसके बाद थोड़ा सा टहल लीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं लगातार तो आप थोड़ा
रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा स्टॉप कर दीजिए काम, और 5-10 मिनट बाद वापस से वो काम कीजिए। लगातार आपको खड़ा नहीं रहना है, नहीं तो स्वेलिंग हो सकती है आपके पैरों में। मेरे पैरों में स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आई थी, क्योंकि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती थी जब मैं किचन में काम करती थी, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ता है। बाकी आप झाड़ू पोछा बर्तन करवा सकते हैं दूसरों से, लेकिन हर किसी के घर में खाना मतलब लोग नहीं पसंद करते हैं, तो सबका अपना सोच होता है, तो वैसे ही खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रहती थी। जैसे मुझे अगर 2 घंटे काम करने में लग रहे हैं तो मैं आधा घंटा काम करती थी और 10 मिनट आराम करती थी, फिर मैं आधा घंटा काम करती थी, फिर मैं 10 मिनट आराम करती थी, इसलिए मेरे पैरों में स्वेलिंग नहीं होता था और ना ही मेरे जांघों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। दर्द होता था जब मैं सो के उठती थी, तब मुझे दर्द होता था, क्योंकि पैर के ऊपर पैर जब रहते हैं तो पेट का भार जो है पैरों के ऊपर पड़ता है, तो उससे ज़्यादा दर्द होता है। तो जब आप सो रहे हैं तो एक मिक्सो एक मैटरनिटी पिलो भी आता है, वो आप ले सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, नहीं तो आप नॉर्मल पिलो जो आपके घर में होता है तो एक पैरों के दोनों जांघों के बीच में रखिए, तो जो आपका जो गैप बन रहा है, जो भार है, वो पिलो पे जाएगा, ना कि आपके दूसरे पैर पे। पैर के तलवे के पास एक पिलो रखिए, 2 पिलो रखिए, जिससे आपका बेबी के पास ब्लड फ्लो जो है अच्छी तरीके से जाता है। तो ये चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी, ये मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है, तो मेरे जानकारी में है, तो इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप लेटते हैं या फिर सोते हैं तो अपने एक पिलो आप पैरों के बीच में रखिए, और एक पिलो जो है या फिर 2 पिलो आप अपने पैर के तलवे के ऊपर पास रखिए, नीचे रखिए, ताकि बच्चे के पास ब्लड फ्लो अच्छे से हो। हल्के हाथों से आप मसाज करवा सकते हैं, नहीं तो आप पैरों के दर्द से आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग वाला जो योगा होता है, स्ट्रेचिंग नहीं सॉरी, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जो योगा होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में किया जाता है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के योगा होते हैं, वो आप कर सकते हैं, इससे आपका जो है पैल्विक एरिया भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपकी डिलीवरी में भी बहुत आपकी डिलीवरी इजी हो जाएगी। रेगुलर योगा करते हैं और रेगुलर वॉकिंग करते हैं तो आपके जो डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो वो थोड़ा कम हो जाता है, और आपकी जल्दी डिलीवरी होने के कारण आपको पेन भी कम सहना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप दिमाग में रखिए कि जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो हल्की फुल्की जो योगा है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड पैल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक्सरसाइज आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका अगर बच्चे का सिर आपका नीचे नहीं आया है तो वो भी हेल्प करेगा कि आपका बच्चा जो है सेफलिक पोजीशन में आने में भी हेल्प होता है बच्चे का। तो आप ये सब योगा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बेबी लास्ट टाइम तक ब्रिज पोजीशन में था, तो मैंने योगा करके बेबी को सेफलिक पोजीशन में लाया था। तो आप योगा कर सकते हैं, योगा बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और कोई भी योगा और एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है या फिर आपको पेन्स हो रहा है उसमें करने में, या फिर अनकंफर्टेबल आप हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है योगा एक्सरसाइज करते टाइम, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, तो आप वो एक्सरसाइज और योगा मत कीजिए। पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, उसके बाद कीजिए। नहीं तो आप प्रेगनेंसी वाला लारा दत्ता का जो योगा है यूट्यूब पर जो आता है वो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ़ और बहुत आराम आराम से वो करती हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था अपनी प्रेगनेंसी में उनका योगा, तो मैं उनका योगा चला दिया करती थी और मैं आराम से योगा करते रहती थी। तो मेरे प्रेगनेंसी में एक टाइम मैंने अपने प्रेगनेंसी में कर लिया था कि मुझे इस टाइम इतना देर वॉकिंग करना है और इतना देर योगा करना है, जो मैं सेकंड ट्राइमेस्टर से जो मैंने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मिसकैरेज का डर रहता है, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं योगा और वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पेन्स वगैरह होते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स आप
फील करेंगे एंड आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है उस टाइम पर। तो उस टाइम योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपसे लास्ट के ट्राइमेस्टर में योगा नहीं हो पा रहा है, सबका बॉडी होता है टाइप अलग अलग होता है, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और एंड आप वॉकिंग कीजिए। कम से कम आपको 1 घंटा करना है, लेकिन 1 घंटा आपको कंटिन्यूसली नहीं चलना है। आप जैसे 10 मिनट आप वॉकिंग कर सकते हैं, फिर आप 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर आप 10 मिनट वॉकिंग कर लीजिए, फिर 5-10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इससे आपका बच्चा भी एक्टिव रहेगा, आप भी एक्टिव। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर हाँ तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मेरे चैनल पे ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। अगर आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती हूँ। और आपका लाइक और कमेंट्स देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए और एनर्जी मिलता है। तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट दीजिएगा, और अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो इंस्टाग्राम पे मेरे, वहाँ पे मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मैं अपने बेटे के साथ छोटे छोटे क्लिप शेयर करती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।